अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं फातिमा मरियम और मैं बता रही हूँ अरवी रेसिपी। अरवी मैं आपको कतलियों की शक्ल में बताऊँगी। कटी हुई कतलियाँ जैसे बनाई जाती हैं आलू की कतलियाँ, वैसे ही आज हम अरवी बनाएंगे। तो मैं आप रेसिपी शुरू करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने दो अदद टमाटर लिए हैं जो कि मैंने काट लिए हैं। उसके अलावा दो अदद अनियन लिए हैं, वो भी काट लिए हैं। हल्दी लेंगे हम 1 टेबल स्पून और 3 टेबल स्पून हम मिर्चें लेंगे। 2 टेबल स्पून मैंने पीसी हुई मिर्चें ली हैं और 1 टेबल स्पून मैंने कुटी हुई मिर्चें ली हैं। नमक लिया है 1.5 टेबल स्पून और पिसा हुआ अदरक लहसुन लिया है। ग्रीन चिली लिए मैंने तकरीबन 3 से 4 अदद। तो अब हम अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। पैन मैंने चूल्हे पर रख दिया है, अब इसमें ऑयल डालेंगे। ऑयल का हमारा तकरीबन ये जो हांडी का चमचा है ये तकरीबन हमने 3 अदद ले लिया है। उसके बाद हम इसमें अनियन डाल देंगे। ऑयल हमें अनियन हमें तकरीबन लाइट ब्राउन करनी है। लाइट ब्राउन होने तक हम इसे भूनेंगे। अनियन हमारी बस अब लाइट ब्राउन होने ही वाली है। जब ये ब्राउन हो जाएगी हम इसमें अदरक लहसुन डाल देंगे। देखिए व्यूअर्स, हमारी प्याज हो चुकी है। इस पॉइंट पे हम अदरक लहसुन ऐड करेंगे। जब अदरक लहसुन हमारा अच्छे से हो जाएगा फिर हम बाकी मसाला ऐड करेंगे। बस अदरक लहसुन भी हमारा हो चुका है, अब हम बाकी मसाले ऐड करेंगे। मैं इसमें टमाटर डाल दूंगी, मिर्च ऐड करेंगे, हल्दी, नमक। अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक हाथ से वीडियो बना रही है, एक हाथ से रेसिपी बना रही है, तो बहुत प्रॉब्लम हो रही है मुझे। लेकिन अभी मैंने स्टार्ट लिया है, इंशाल्लाह आगे आदत हो जाएगी। मसाला हमारा अच्छे से भून जाएगा तो हम इसमें अरवी शामिल करेंगे। अब हम इसे तकरीबन कुछ सेकंड के लिए ढक देते हैं। देखें व्यूअर्स, आधा किलो अरवी लिए। अरवी मैंने इस तरह काट ली है आलू की कतलियों की शेप में। देखें व्यूअर्स, इस तरह हमारे मसाले में ऑयल छोड़ दिया है, लेकिन ये सही से अभी भुना नहीं है। इससे पहले हम अरवी डाल देंगे, बाकी मसाला हमारा अरवी में भुन गया। अब हम इसमें अरवी शामिल कर देते हैं। अरवी मैंने डाल दी है, मैं कुछ सेकंड के लिए इसका ढक्कन बंद करके इसे छोड़ दूंगी। चूल्हा हमने मीडियम पे रखना है। जी व्यूअर्स, अब हम अरवी चेक करेंगे, इसमें चमचा चलाएंगे।
अभी टाइम है इसके बनने में, हम दोबारा से इसको रख देंगे। अब चूल्हा हम बहुत स्लो कर देंगे। जी व्यूअर्स, अब हम चेक करते हैं अपनी अरवी को। अरवी हमारी तैयार है तकरीबन। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे। आप बिल्कुल भुनी हुई रखना चाह रहे हैं तो आप पानी शामिल ना करें। अब हम इसमें चिली भी डाल देंगे जो हरी मिर्चें काटी थी। अब हम इसे कुछ देर पकाएंगे, ढक्कन बंद करके रख देते हैं। देखिए व्यूवर्स, अरवी हमारी तैयार है। अगर आपके पास हरा धनिया है तो वो डालें गार्निशिंग के लिए। बहुत, मेरे पास हरा धनिया नहीं था इसलिए मैंने नहीं डाला। ये बहुत मज़े की बनती है, बहुत अच्छी लगती है। एक दफ़ा ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अब मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।